आज भगवान गणेश की कृपा से नए संसद भवन में संसद लग रही है। नया संसद भवन शुरू होना बहुत जरूरी था। पुराने संसद भवन की हालत बहुत खराब थी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितने शर्मिंदा होते थे जब बाहर के अतिथि आते थे और पूरे संसद भवन को गंधाते और बसाते हुए देखते थे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय में इसको पूरा करवा लिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पूरे देशवासियों का आज बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ कि उनकी इच्छा से संसद भवन की जयंती बन सका और प्रधानमंत्री जी का भी धूल भूल अभिवादन। मीडिया के माध्यम से इसको राजनीतिक मंच से बिल्कुल डिस्कस न किया जाए, ये राजनेताओं का विषय नहीं है। ये पूर्णतया विद्वानों का, धार्मिक विद्वानों का, संतों और महापुरुषों का विषय है, वही आपस में तय करेंगे। अब रही बात तमिलनाडु के डीएमके के नेताओं की बात, वो तो हमेशा से तिलक काटते रहे, छुट्टियां काटते रहे, मूर्तियों के गले में भूतों की मालाएं पहनाते रहे। उस विषय को सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय मंच पर राजनीतिक तौर पर लाना ये सनातन धर्म के लिए उचित नहीं। इसलिए मैं तो सब पार्टियों को निवेदन करूंगी कि आप रोटी कपड़ा और मकान की बहस करिए, सनातन धर्म की जो बहस है दोनों को छोड़िए। मुझे आज बहुत गर्व और खुशी है, भगवान गणेश पूर्णतया अपनी माता से उत्पन्न हुए, क्योंकि गणेश जी माता के उत्पन्न से बने, इसलिए भगवान गणेश पार्वती जी का ही स्वरूप है। और उसी स्थान पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। यह विधेयक 1996 में जब देवगुड़ा जी ने प्रस्तुत किया तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया था, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। वह संशोधन मैंने ही प्रस्तुत किया और आज भी वो संशोधन मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र के द्वारा भेज दिया। इस बिल का स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है, भूरी भूरी स्वागत किया है, लेकिन इसमें मैंने जिस संशोधन की मांग उस समय देवगुड़ा जी से की थी 96 में, जिससे कि ये बिल पेंडिंग हो गया था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री उस संशोधन के साथ ही बिल को पारित करेंगे। मैं संशोधन की चर्चा आगे इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी अभी सुबह सुबह मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिया है। हमारी अपनी पार्टी की सरकार है, अगर वो संशोधन आ ही जाता है तो मुझे इसकी अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर अब जन आक्रोश यात्रा की क्या जरूरत थी, जनता में आक्रोश होगा तो वोट भी दिखाई दे जाएगा। अब ऐसा ना हो कि यात्रा पर ही आक्रोश कहीं टूट पड़े, मुझे यह डर लग रहा है। कई कार्यक्रम कह रहे हैं कि शिवराज जी झूठ बोलने वाली मशीन है, झूठ बोलने वाले खूब सारे देवड़ियां बांट रही है। हाँ तो वो शिवराज जी जवाब देंगे, मैं शिवराज की प्रवक्ता नहीं हूँ। आपने प्रश्न किया वो ठीक है, लेकिन जवाब शिवराज को देना। अभी कनाडा को लेके क्या कहना, कनाडा में जो अभी भारत का राजनीति को वहाँ से निकाल दिया और भारत ने भी कनाडा के राजनीति को निकाल दिया, उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से विदेश विभाग का विषय है और विदेश विभाग का प्रवक्ता इस पर जो निर्णय लेंगे या बोलेंगे उसके अलावा हमारा